अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अभ्यास वर्ग 27 से 30 जून तक हजारीबाग में होना है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रदेश मंत्री रोशन सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य के सभी जिलों से कुल 400 से अधिक छात्र कार्यकर्ता इस अभ्यास वर्ग में भाग लेंगे। परिषद के नगर मंत्री, जिला संयोजक से लेकर ऊपर के दायित्वधारी कार्यकर्ता, छात्र छात्रा व शिक्षक भाग लेंगे। अभ्यास वर्ग में विद्यार्थी परिषद के सिद्धांत, रीति नीति, कार्य पद्धति से लेकर राज्य व देश की वर्तमान स्थिति, छात्रों की समस्या, छात्रवृत्ति का मामला, सोशल मीडिया का महत्व व युवाओं पर प्रभाव, साइबर क्राइम जैसे मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। क्या उसमें क्या चल रही है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अभ्यास वर्ग इस बार हजारीबाग में 27 से 30 तारीख तक होना तय हुआ है और इस कार्यक्रम में पूरे झारखंड प्रदेश से लगभग 400 छात्र छात्राएं और शिक्षक इस कार्यक्रम में रहेंगे। और यह विद्यार्थी परिषद का अपना अभ्यास वर्ग वर्ष में जो एक बार होता है हजारीबाग में इस भी इस बार हो रहा है और इस कार्यक्रम में पूरे झारखंड प्रदेश के साथ जो कार्यकर्ता आएंगे उनका 4 दिन तक का वर्कशॉप चलेगा। और इस वर्कशॉप को लेने के लिए अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय आशीष चौहान जी, अपने राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय के एन रघुनंदन जी, अपने क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय निखिल रंजन जी, प्रांत संगठन मंत्री आगवल जी के साथ साथ पूरे प्रदेश के प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष, प्रांत प्रमुख, प्रदेश उपाध्यक्ष और पूरे झारखंड प्रदेश के लगभग 400 छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में रहेंगे और यह कार्यक्रम हजारीबाग में 4 दिनों तक चलने वाला है। और यह जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि कॉलेज कैंपस में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आखिर में उसका योगदान देश के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए क्या हो सकता है, साथ ही जो पूरे प्रदेश में आज जो शिक्षा की जो व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा में किसी प्रकार की कमी हो, चाहे वो स्टूडेंट को जो भी समाज के अंदर जो आज गतिविधि, चाहे कॉलेज कैंपस के अंदर में जो देश विरोधी ताकत जो आज अपना पांव पसार रहा है, इन सब सारा विषय को देखते हुए विद्यार्थी परिषद का यह 4 दिन का वर्कशॉप इस बार हजारीबाग के अंदर में होना तय हुआ है। रोशन सिंह, प्रदेश मंत्री, झारखंड।